हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं शानू राणा। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी हब में। आज फिर से जीएस के क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन जितने भी मैं लेकर के आता हूं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये फिर से आने की इनकी उम्मीद है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स NTPC ग्रुप डी, SSC 10+2, कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एरिनियोलॉजी क्या है, यहाँ पे बताना है। एरिनियोलॉजी किसको कहते हैं, मकड़ियों के अध्ययन को बोलते हैं एरिनियोलॉजी। क्या बोलते हैं, एरिनियोलॉजी बोलते हैं मकड़ियों के अध्ययन को, स्पाइडर्स के अध्ययन को। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड और होता है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, एपिकल्चर। यानी कि एपिकल्चर होता है मधुमक्खी का जो पालन होता है, मधुमक्खी पालन उसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन उसको बोलते हैं एपिकल्चर। क्या बोलते हैं, एपिकल्चर मधुमक्खी पालन से होता है। और एक और होता है इम्पॉर्टेंट वर्ड, वो होता है माइकोलॉजी। क्या होता है, माइकोलॉजी। ये जो होता है ये स्टडी ऑफ फंगस, यानी कि जो कवक होते हैं उनका अध्ययन, ये बोला जाता है स्टडी ऑफ फंगस। माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंगस यानी कवक का अध्ययन, एपिकल्चर होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, और मकड़ियों का अध्ययन होता है एरिनियोलॉजी। क्या होता है, एरिनियोलॉजी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, काप्स लुटियम क्या संस्रावित करता है। काप्स लुटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन संस्रावित करता है। क्या संस्रावित करता है, प्रोजेस्टेरॉन संस्रावित करता है। अब ये काप्स लुटियम होता क्या है, यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है काप्स लुटियम, ये क्या होता है, ये जो होता है ये महिलाओं में और जो स्तनपायी पशु होते हैं उनके जो अंदरूनी विकास के लिए ये मदद करता है, और ये उसको ये स्रावित करता है, उनमें ये फिर संस्रावित करता है। यानी कि जो महिलाएँ और मादा पशु उनमें ये क्या करता है, उनके जो अंदरूनी ढांचा होता है उनका विकास करता है ये, और इसको संस्रावित करता है, ये एक हार्मोन होता है। ये क्या होता है, ये हार्मोन होता है। और हर मासिक चक्रण के बाद क्या होता है, ये काप्सुलिटियम जो होता है ये दोबारा से इसका विकास होता है, दोबारा से इसका विकास होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन क्या है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये एक हार्मोन होता है, ये पुरुषों में होता है। किन में होता है, पुरुषों में होता है। पुरुषों में एक हार्मोन और होता है, वो होता है, वो क्या होता है, वो होता है एंड्रोजींस। क्या होता है, एंड्रोजींस, मैं लिखकर बता देता हूँ यहाँ पर, एंड्रो उसको बोलते हैं एंड्रोजींस, जो कि पुरुषों में होता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये इसी का ही एक पार्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन और ये एंड्रोजींस ही होता है। और ये जो होता है ये हड्डियों के विकास के लिए और जो शारीरिक विकास के लिए उसमें मदद करता है, ये टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु बतानी है किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 483 ईसा पूर्व। एग्जाम्स में ये सन भी पूछ ली जाती है कभी कभी, ये 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। अच्छा, ये तो मृत्यु हो गई, अब गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, यहाँ पर जन्म की बात आ जाएगी, तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। और जन्म हुआ कहाँ था, ये हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में। और मृत्यु कहाँ हुई थी, ये कुशीनगर के स्थान पर हुई थी। कुशीनगर एक स्थान है यूपी के पास, एक है कुशीनगर, ये यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी क्या है। वर्मा का नाम क्या है, अभी म्यांमार, पहले इसका नाम था बर्मा, और इसकी राजधानी क्या है, नेपाई डो, और इसको नाइपे ताऊ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइपे ताऊ इसको ये भी बोलते हैं, नाइपे ताऊ, जो कि बर्मा की, म्यांमार की राजधानी है। अब यहाँ पर बर्मा की बात आ गई है, यानी कि म्यांमार की बात आ गई है, तो म्यांमार के प्रेसिडेंट क्या हैं, प्रेसिडेंट कौन है, वो हैं विन मिंट। कौन है, विन मिंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विन मिंट म्यांमार के प्रेसिडेंट हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और भी मैं और भी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है, यह है श्रवणबेलगोला में। क्या है, ये जो जैन केंद्र है वो बना हुआ है,
और ये श्रवण बेलगोला है कहाँ पर? पिछले वीडियो में मैंने श्रवण बेलगोला के बारे में एक क्वेश्चन आया था, तो कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी जिन्होंने भूखा रहकर अपने प्राण त्याग दिए थे, ये वही श्रवण बेलगोला है। और ये है कहाँ पर? ये कर्नाटक में है, कर्नाटक, जो कि मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये जैन केंद्र जो बना हुआ है, प्रसिद्ध जैन केंद्र, ये जो है ये जैन धर्म की संस्कृति और धर्म के लिए इसको जाना जाता है, उसके लिए प्रमुख केंद्र इसको माना जाता है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध देवता है, उनकी मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर, जो कि गोमतेश्वर बाहुबली उनको कहा जाता है, गोमतेश्वर बाहुबली की यहीं पर मूर्ति लगी हुई है। और यही आकर्षण का केंद्र माना जाता है तीर्थयात्रियों के लिए, जो तीर्थयात्री होते हैं उनके आकर्षण का केंद्र वो गोमतेश्वर की जो मूर्ति लगी हुई है उनके वो माना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। किस लिपि में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अशोक जो कि मौर्य वंश के शासक थे, बहुत ही सम्राट अशोक, ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए थे, मौर्य वंश के थे ये, और इनके जो शिलालेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि मिले हैं, जो कि अवध, जो कि जो मगधी भाषा होती है ब्राह्मी लिपि में, उसमें मिले हैं। कौन सी भाषा? अब मगधी भाषा में मिले हैं, और इसमें मगधी भाषा का प्रयोग किया गया है इस लिपि में। चलिए देखते हैं, उम्मीद है समझ आ रहा होगा आप सभी को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? यहाँ पर बताना है कौन सी झील जो है हनीमून लेक कहलाती है, वो है टीटीकाका झील। कौन सी झील है? टीटीकाका झील। और ये टीटीकाका झील जो है ये पेरू और बोलीविया के पास में इस झील, ये झील बनी हुई है, उनकी सीमा पर बनी हुई है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर ये झील बनी हुई है, टीटीकाका झील इसको जाना जाता है। साउथ अमेरिका की ये सबसे बड़ी झील है, ये टीटीकाका झील जो है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन यानी हरमेटन उड़ती हैं, जो सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन होती हैं वो उड़ती हैं, उनकी दिशा बतानी है यहाँ पर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती हैं। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवनें होती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती हैं, और ये हवाएं जो होती हैं ये बहुत ही बड़ी मात्रा में धूल उड़ाती हैं। क्या उड़ाती हैं? ये बहुत बड़ी मात्रा में धूल उड़ाती हैं, और नवंबर के अंत तक और मार्च की स्टार्टिंग में ये जो होती हैं हवाएं, ये सहारा रेगिस्तान से गुआना तक, गुआना की खाड़ी की ओर बहने लगती हैं। कहाँ से? सहारा रेगिस्तान से गुआना, जो गुआना होता है, गुआना जगह है वहाँ, गुआना की खाड़ी वहाँ की ओर बहने लगती हैं ये। कब? नवंबर में और मार्च तक ये सहारा रेगिस्तान से ये गुआना तक चलने लगती हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं हर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर जो है ये सर्वाधिक व्यस्त, व्यापार की दृष्टि से ये बहुत ही व्यस्त महासागर कहा जाता है, और ये जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? सेकंड नंबर पे आता है ये, और पहले नंबर पे की बात आ जाए तो कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। पहले नंबर पे कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, और दूसरा है अटलांटिक महासागर। अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक व्यस्त रहने वाला महासागर कौन सा है? वो है अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर जो है ये अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है। किससे? अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? जो केरल की नीरव घाटी में वन स्थित है वो वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि जो साइलेंट वैली में जो वन लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, वो इसी जो केरल की साइलेंट वैली है नेशनल पार्क, उसमें जो पेड़ लगे हुए हैं वो इसी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक उदाहरण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उम्मीद है कि आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अनाई मुडी शिखर कहाँ स्थित है? ये बताना है अनाई मुडी शिखर जो है कहाँ है? ये है पालनी पहाड़ियों पर। कहाँ पर है? पालनी पहाड़ियों पर स्थित है अनाई मुडी शिखर, और ये जो अनाई मुडी है ये केरल में है। कहाँ पर है? ये
केरल में है और ये दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर है, ये केरल में है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 2695 है। कितनी? 2695 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए देखते हैं कल का होमवर्क क्वेश्चन। कल मैंने दिया था कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है, यहाँ पर बताना है जो कुनैन होती है उसकी औषधि बनती है, दवा बनती है, वो किस कौन से पेड़ से प्राप्त होती है, मनी प्लांट, यूकेलिप्टिस या सिनकोना के पेड़ से। ये मिलती है, इसका राइट आंसर होगा सिनकोना। क्या आंसर होगा इसका? सिनकोना। ये कुनैन की औषधि से मिलती है और ये सिनकोना का पेड़ जो है ये अमेरिका जैसे देशों में मिलता है, इसकी छाल से ये बनती है कुनैन की औषधि। देखते हैं आज का क्वेश्चन, आज का होमवर्क क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो संघ लोक सेवा आयोग है यानी कि UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसके सदस्यों की नियुक्ति। आपके ऑप्शन है चार, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। और आप UPSC का मैंने अनुच्छेद भी बताया था, किस अनुच्छेद के अंतर्गत UPSC का गठन हुआ था, वो अनुच्छेद भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।